लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 15 राज्यों की 117 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वोट डाला। उन्होंने गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रणी व क्षेत्र स्थित एक स्कूल में मतदान किया। तीसरे चरण में भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा अब दांव पर लगी है। आपको बता दें कि 19 मई तक मतदान के 7 चरणों में लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव होंगे, जबकि इन चुनावों के नतीजे 23 मई को निकलकर बाहर आएंगे। आज तीसरे चरण में गुजरात की 26, केरल की 20, महाराष्ट्र की 14, कर्नाटक की 14, यूपी की 10, छत्तीसगढ़ की 7, ओडिशा की 6 सीटों पर और बिहार की 5, पश्चिम बंगाल की 5 सीटों पर, असम की 4 लोकसभा सीटों पर, गोवा की 2, जम्मू कश्मीर, दादर, दमन दीव और त्रिपुरा की 1-1 लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा है। सभी दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी है। 15 राज्यों की 117 सीटों पर मतदान जारी है और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी गांधीनगर में अपना वोट दिया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है।